हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सर्वेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी में फॉर लूप की। चलिए समझते हैं कि फॉर लूप को हम पीएचपी में किस तरह यूज करते हैं। अ फॉर लूप इन पीएचपी इन कंडीशनल स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन। फॉर लूप को भी हम मल्टीपल टाइम्स कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज करते हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन के बेस पे। इट हैज थ्री पार्ट्स। इसमें तीन पार्ट होते हैं, पहला इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है इन दिस पार्ट इनिशियलाइज द काउंटर वेरिएबल। इसमें हम इन काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कराते हैं। काउंटर वेरिएबल का मतलब है कि जितनी बार भी हमारे लूप एग्जीक्यूट होगा उसको काउंट करने के लिए, तो उसको काउंट करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराते हैं। दिस इज टिपिकली बिगन्स बिफोर द लूप बिगन्स। ये लूप के स्टार्टिंग में यूज होता है। देन इसके बाद आता है कंडीशन। दिस इज द कंडीशन दैट इज चेक्ड बिफोर ईच इटरेशन ऑफ लूप। If the condition is true, the loop continues. If the condition is false, loop stops. Condition हम pass करते हैं। Condition check होती है हर एक iteration पे condition check होती है, और अगर condition true होती है तो loop execute होता है। If the condition is false, loop stops. मतलब loop terminate हो जाता है जब condition false होती है। Then इसके बाद आता है third parameter increment decrement. This part execute after each iteration of loop. It updates the counter variable. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम करते हैं काउंटर वेरिएबल में, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने के लिए। और ये हमेशा कोड, एक बार कोड एग्जीक्यूट होने के बाद ही इसकी वैल्यू हम अपडेट होती है। जैसे कि ये एक सिंटैक्स है फॉर लूप का, तो हम लिखते हैं फॉर, इसके बाद हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करते हैं, देन इसके बाद कंडीशन, देन इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एंड अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमें कोड एग्जीक्यूट कराना होता है। तो आइए अब इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर, और यहाँ पे डॉलर आई काउंटर वेरिएबल लिया है और इसमें हमने वन से असाइन कर दिया। ये हो गया इनिशियलाइजेशन। इसके बाद हम करते हैं पास करते कंडीशन, और तो हम क्या करें कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव, फाइव या फाइव से लेस देन हो आई तो हम प्रिंट कर देंगे आई की वैल्यू। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट हो जाएगी आई की वैल्यू। तो यहाँ पे पहली बार आएगा वन, वन चेक होगा फाइव से, वन इज लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू, प्रिंट हो जाएगा द वैल्यू फाइव इज वन। ठीक है, नेक्स्ट बी आर टेक। देन अगेन अब क्या है, ये लूप के बाहर आने के बाद यहाँ से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। तो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो अब आई की वैल्यू होगी टू। तो अब आई की वैल्यू टू होगी, तो टू फिर चेक करेगा कंडीशन, टू इज लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, प्रिंट कर दी द वैल्यू फाइव इज टू। देन नेक्स्ट लाइन, देन अब अगेन आई की वैल्यू हो जाएगी थ्री, प्लस वन से इंक्रीमेंट हो जाएगी, then 3 is less than 5, condition true, the value of i is 3, then again increment i की value 4, 4 is less than 5, the value of i is 4, then again 5 equal है 5 के, तो इसलिए print हो जाएगा the value of i is 5, next जब i की value 6 होगी तो ये condition false हो जाएगी, और जैसे ही condition false होगी ये loop terminate हो जाएगा और हमें output दे देगा ये। तो चलिए इसको practical करके देखते हैं editor के अंदर। सो गाइस, मैं मेरे editor पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट करी है फॉर लूप डॉट पी एच पी के नाम से। ठीक है, तो अब हमारा को प्रोग्राम बनाते हैं। फॉर लूप यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर, और इसके बाद पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम पास करेंगे इनिशियलाइजेशन। अब वाइल लूप में हम क्या करते थे कि इनिशियलाइजेशन ऊपर करा देते, पर फॉर लूप में क्या होता है कि इसमें स्टार्टिंग में ही पैरेंथेसिस के अंदर ही हम इनिशियलाइज करते हैं, कंडीशन पास करते हैं, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसी में पैरेंथेसिस के अंदर ही करते हैं। यहाँ मैं एक वेरिएबल लेता हूँ काउंटर, ठीक है, और इसकी मैं वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ वन से। ठीक है, और यहाँ मैं कंडीशन पास कर दूंगा काउंटर इज लेस देन इक्वल्स टू टेन हो, और देन इसके बाद काउंटर प्लस प्लस, काउंटर की वैल्यू वन से इंक्रीज। इसके बाद अंदर हम क्या करते हैं, काउंटर की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। तो मैं प्रिंट करता हूँ द वैल्यू ऑफ काउंटर इज डॉलर काउंटर। ठीक है, साथ साथ बी आर टैग ताकि नेक्स्ट लाइन में मुझे प्रिंट करे। ठीक है, सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं कॉपी पाथ करूँगा और ब्राउज़र पे जाके मैं इस पाथ को पेस्ट कर दूँगा, और एस टी डॉक से पाथ हटा के यहाँ पे मैं पाथ कर दूँगा लोकल होस्ट। जैसे मैं एंटर मारूँगा तो मुझे प्रिंट करा द वैल्यू ऑफ वन, काउंटर इज वन से लेकर टेन तक। और अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, कंडीशन मैं इक्वल टेन हटा दूँ और अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये तो नाइन तक प्रिंट कर रहा है। इस केस में क्या हुआ कि यहाँ काउंटर की वैल्यू जैसे नाइन हुई, नाइन इज़ लेस देन टेन, कंडीशन टू, तो काउंटर वैल्यू इज़ नाइन, और जैसे ही कंडीशन काउंटर की वैल्यू टेन हुई तो ये कंडीशन फॉल्स हुई।
इस तरह ये है फॉर लूप का एक छोटा सा एग्जांपल था। अगर आपको ये लूप्स समझ में आए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक यू सो मच गाइस, और आपसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में।